देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। दिल्ली दंगों में आईबी कर्मी अंकित की हत्या केस में ताहिर के बाद हुई दूसरी गिरफ्तारी। दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आप से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के बाद एक और आरोपी सलमान उर्फ नन्ने को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि लापता होने के एक दिन बाद अंकित का शव 26 फरवरी को घर के पास स्थित नाले से मिला था। दिल्ली दंगों में हेड कांस्टेबल रतनलाल की मौत मामले में 7 लोग गिरफ्तार। दिल्ली दंगों के दौरान हेड कांस्टेबल रतनलाल की मौत के मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। बतौर पुलिस 85 वर्षीय अकबरी बेगम की घर में जिंदा जलाकर हत्या को लेकर 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने बताया है कि दंगों को लेकर 712 FIR दर्ज और 200 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। छत्रपति शिवाजी जयंती पर मुंबई में सीएम उद्धव संसद परिसर में बिड़ला ने दी श्रद्धांजलि। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व बेटे आदित्य ठाकरे ने मुंबई में और लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी व अन्य नेताओं ने संसद परिसर में उन्हें श्रद्धांजलि दी है। 12 मार्च को हिंदू पंचांग के तहत शिवाजी जयंती मनाई जा रही है, जबकि इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 19 फरवरी को मनाई गई थी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।